आइए एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। इस टेबल में हम देखते हैं कि पहला रो आयु वर्षों में दी हुई है, जो कि क्लास इंटरवल के फॉर्म में है, जिसका एच है 15 - 5 = 10। और दूसरा रो रोगियों की संख्या है, जो कि FI है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। हमें इस टेबल में दिए हुए डेटा का माध्य और बहुलक दोनों निकालना है और फिर उनकी तुलना भी करनी है और व्याख्या भी करनी है। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होता है। इस टेबल में रोगियों की संख्या हमारी FI यानी फ्रीक्वेंसी है। तो हम देखेंगे कि किस कॉलम में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। 23 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ग अंतराल है 35 to 45। यानी ये 23 तो F1 हो गया, 35 to 45 मॉडल क्लास हो गया हमारा। अब हमें F0 निकालना है। F0 मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होती है। मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास है 25 to 35 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 21। ये हो गया F0। अब हमें F2 निकालना है। F2 मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होती है। मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास इंटरवल है 45 to 55 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 14। तो ये F2 हो गया। तो हम सारी वैल्यू को नोट कर लेते हैं। F0 = 21, F1 = 23, F2 = 14, Model Class = 35 to 45, L = lower limit of Model Class। L जो होता है वो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है। हम देख सकते हैं कि मॉडल क्लास 35 to 45 है और ये स्पष्ट है कि इसका लोअर लिमिट 35 है। सो L = 35 और H हमने पहले निकाला हुआ है, H = 15 - 5 = 10। हम जानते हैं कि मोड के लिए फॉर्मूला होता है, mod = L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 H = 35 + F1 की वैल्यू है 23, F0 = 21 है, डिवाइडेड बाय 2 × F1 यानी 2 × 23 माइनस F0 यानी 21 माइनस 14 इंटू एच इक्वल टू 35 + 2/46 - 35 × 10, क्योंकि एच की वैल्यू 10 है। = 35 + 2/11 × 10 = 36.8। अतः इस डेटा का मोड 36.8 है। सो मोड इज, अब हमें इस डेटा का मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें XI निकालना पड़ेगा। XI = upper limit + lower limit / 2। अब इसी फॉर्मूले बेस्ड होकर हम हर इंटरवल का XI निकालेंगे। सो अब X1 = X1 मतलब पहले इंटरवल का क्लास मार्क। पहला इंटरवल है 5 to 15, 5 + 15/2 = 10। इसी तरह हम X2 निकाल सकते हैं, X2 = 20, X3 = 30, X4 = 40, X5 = 50, X6 = 60। अब मीन निकालने के लिए हमें एक प्रोडक्ट की जरूरत है, जो कि XI के साथ FI का प्रोडक्ट होगा। आइए अब प्रोडक्ट निकालते हैं। XI FI = product of XI with their corresponding FI। यानी अब हम X1 F1 निकालेंगे। X1 F1 का मतलब है पहले इंटरवल का क्लास मार्क इनटू उस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही X1 F1 है। यानी X1 F1 हो जाएगा, F1 6 है और X1 हमने निकाला है 10 = 60। इसी तरह X2 F2 = X2 20 है और F2 हम देख सकते हैं क्वेश्चन में 11 है, 220। इसी तरह X3 F3 = X3 30 है, तो 30 × F3 हम देख सकते हैं क्वेश्चन में 21 है, = 630। इसी तरह X4 F4 =
x4 40 है इंटू एफ फोर 23 है 920। इसी तरह x5 f5 x5 50 है इंटू एफ फाइव और f5 14 है 15 इंटू 14 इज इक्वल टू 700। और अब x6 f6 इज इक्वल टू x6 हमने 60 निकाला हुआ है इंटू एफ सिक्स 5 60 इंटू 5। अब हम इनका टोटल करते हैं यानी 60 प्लस 220 प्लस 60 प्लस 220 प्लस 630 प्लस 920 प्लस 700 प्लस 300 इनका इनके टोटल को हम समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई लिख सकते हैं जहां आई की वैल्यू 126 होगी। हम जानते हैं कि समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई के हर टर्म का सम होगा यानी एक्स वन एफ वन प्लस एक्स टू एफ टू प्लस एक्स थ्री एफ थ्री प्लस एक्स फोर एफ फोर प्लस एक्स फाइव एफ फाइव प्लस एक्स सिक्स एफ सिक्स इक्वल टू 2830। अब हमें मीन निकालने के लिए अब भी एक डेटा की कमी है। समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई का मतलब है एफ आई के हर टर्म का सम यानी 6 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 5 6 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 80। अब हम जानते हैं कि मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमने निकाला है 2830 और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई हमने निकाला है 80 डिवाइडेड बाय 80 जीरो इज इक्वल टू 35.37। सो इस डेटा का मीन 35.37 है और मोड हमने 36.8 निकाला है तो मोड 36.8 है। हमने मीन 35.37 निकाला है इसका मतलब ये हुआ कि इस अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों की औसत आयु 35.37 वर्ष है और हमने मोड 36.8 निकाला है यानी कि इस अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों में ज्यादातर रोगियों की उम्र 36.8 वर्ष है। सो एवरेज एज ऑफ पेशेंट इज 35.37 ईयर्स व्हाइल मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन दिस हॉस्पिटल आर ऑफ द एज 28